नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् मैं भिक्षु कच्छयन श्रमण आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आज विश्व शांति एक शब्द बहुल प्रसारित है। तमाम दुनिया में इसी शब्द पर बहुत चर्चा हो रहा है। ये शब्द इसीलिए चर्चा हो रहा है क्योंकि विश्व में अशांति का बहुत कारण हो रहा है, अशांति फैला जा रहा है। इसी विषय पर भगवान बुद्ध का वाणी के अनुसार मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध जो वाणी दिया गया सारे वाणी बौद्ध साहित्य में मिलते हैं, उसी में एक वाणी हम देखते हैं, कहते हैं आरोग्य परमांग लाभ संतुष्टि परमांग धनंग विश्वास परमांग ज्ञाति निब्बानंग परमांग सुखं। इसी पर चार विषय कहा गया, जो आरोग्य परम लाभ हम तमाम दुनिया भर आदमी इंसान लोग जो लाभ उठाना चाहते हैं, इसे सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य होना है। हम सारा दुनिया भर धन का साधना करते हैं, धन का अर्जन करने के लिए प्रयास करते हैं। हम जो धन रूप से सोचता है, भगवान बुद्ध ने कहा ये परम धन नहीं है, परम धन ये होना है संतुष्टि। जिसको पास जो धन है उसी पर जो आरोग्य परम लाभ, हम तमाम दुनिया भर आदमी इंसान लोग जो लाभ उठाना चाहते हैं, इसे सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य होना है। हम सारा दुनिया भर धन का साधना करते हैं, धन का अर्जन करने के लिए प्रयास करते हैं। हम जो धन रूप से सोचते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा ये परम धन नहीं है, परम धन ये होना है संतुष्टि। जिसको पास जो धन है उसी पर संतुष्ट रहना है, यह परम धन होता है। तीसरा में बात बताया गया है विश्वास परमांग याति। हम माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार को हम बहुत प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन उसी रिश्तेदार से कभी भी अशांति का कारण हो सकता है। इसीलिए सभी को पर जो विश्वास हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इससे बड़ा रिश्तेदार और कोई नहीं, दुनिया भर कोई नहीं होता है। अंत में कहा गया निब्बानंग परमांग सुखं, जब मोक्ष के लिए धर्म कर्म करते हैं, मोक्ष मिलने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, यह अल्टीमेट तुरंत जो कहते हैं। इसी पर दो विषय पर हम सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरत है, एक संतुष्टि और एक विश्वास। जो संतुष्टि नहीं होना का कारण
अशांति हो रहा है, संतुष्टि के कारण शांति फैला सकते हैं, विश्वास का कारण शांति फैला सकते हैं। जो विश्वास का माध्यम से हम भगवान बुद्ध का दूसरा वाणी को हम चर्चा करेंगे, वहाँ पे बता गया माता यथा नियं पुत्तं आयुष एका पुत्तं अनुराक्के एवं पि सब्बा भूतेषु मानसं भावये अपरिमानं। इसी में कहा गया एकमात्र पुत्र जो जिस माता को है, वो माता पुत्र को रक्षा करने के लिए, जीवन देने के लिए प्रस्तुत करता है, प्रयास करते हैं। उसी हिसाब से सभी प्राणी को, सभी इंसान को ऊपर हम मैत्री फैलाएंगे, तब तक विश्व शांति प्रतिष्ठित हो सकता है। ये हमारा विश्वास है। ये शब्द का साथ हम यहाँ पर विराम देता हूँ।